HDFC का मनी बैक क्रेडिट कार्ड ले या फिर SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड ले। अगर आप भी इन दोनों क्रेडिट कार्ड के बीच में कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लो, बिकॉज इस वीडियो में हम करेंगे डिटेल कंपैरिजन दोनों क्रेडिट कार्ड के बीच में, और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन भी जरूर शेयर करूंगा कि दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स के डिफरेंसेस के बारे में। तो अगर आप HDFC का मनी क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लोगे यहाँ पे आपको दिए जाएंगे 500 कैश पॉइंट्स। वही अगर आप SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे आपको दिया जाएगा एक्स्ट्रा वेगेंजा ऑफर, जहां पे आपको कोई डायरेक्टली कोई कैश पॉइंट्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन आप जैसे इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो और अगर आप क्रेडिट कार्ड के लेने की फर्स्ट 60 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपीज अगर आप खर्च कर लेते हो तो यहाँ पे आपको दिए जाएंगे 2000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स। और यहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 25 पैसा। सो अगर 2000 बोनस पॉइंट्स के अगर हम वैल्यूएशन करें तो उसका वैल्यू होगा 500 रुपीज। तो यहाँ पे दोनों क्रेडिट कार्ड्स में जो वेलकम बेनिफिट है वो 500 रुपीज के ही है, लेकिन आपको एसबीआई के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड में आपको ये 500 लेने के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपीज जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। देखो 2000 का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो वो आप बहुत ही इजीली ले सकते हो। तो अगर हम पहले डिफरेंस की बात करें तो ये खास डिफरेंस नहीं है, दोनों में खाली लेने का तरीका अलग है। एक में आपको बहुत इजीली मिल जा रहा है, दूसरे में आपको कुछ स्पेंड करना पड़ रहा है, लेकिन एट द एंड बेनिफिट आपको दोनों में वेलकम बेनिफिट के नाम पे 500 रुपीस ही मिल रहा है। कार्ड के नेक्स्ट डिफरेंस की आप बात करें तो वो है एनुअल स्पेंड्स बेनिफिट। अगर आपके पास HDFC का मनी बैक क्रेडिट कार्ड है और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक क्वार्टर में अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा खर्च कर लेते हो तो यहाँ पे आपको दिए जाएंगे 500 रुपीस के गिफ्ट वाउचर। तो आप जैसे कि जानते हो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और अगर आप हर क्वार्टर में अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 खर्च कर लोगे तो एक साल में आप यहाँ पे 2000 के गिफ्ट वाउचर अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया HDFC मनी बैक का आपका एनुअल स्पेंड बेनिफिट। और वही अगर हम SBI के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी एनुअल स्पेंड बेनिफिट नहीं मिलता है। दोनों क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस की बात करें तो अगर आप HDFC का मनी बैक क्रेडिट कार्ड लोगे तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फीस देना पड़ेगा 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही अगर हम SBI के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। तो यहाँ पे सिर्फ 1 रुपए का ही डिफरेंस है। वही अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो वो भी बिल्कुल सेम है, HDFC में है आपका 500 रुपीज प्लस टैक्सेस, SBI सिंपली सेव में है 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। तो जो डिफरेंस है यहाँ पे सिर्फ 1 रुपए है। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को कवर क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे जो एनुअल फीस का जो वेव ऑफ करने का जो तरीका है ना, वो दोनों का क्रेडिट कार्ड से बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस को अगर आप वेव ऑफ कराना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल के अंदर 50,000 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपीज खर्च कर लेते हो तो यहाँ पे आपका HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगा। वही अगर आपका SBI के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस अगर आपको वेव ऑफ कराना है तो वो अमाउंट सीधा डबल हो जाता है। अगर आपको SBI के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस वेव ऑफ कराना है तो यहाँ पे आपको खर्च करने पड़ेंगे 1 लाख या उससे ज्यादा। अगर आप 1 लाख या उससे ज्यादा खर्च करोगे तो ही आपका एनुअल फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एनुअल फीस का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा डबल है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों क्रेडिट कार्ड में। कार्ड के नेक्स्ट डिफरेंस की यहाँ पे हम बात करें तो वो है यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेवर का। दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप HDFC का मनी बैक क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो 400 रुपीज का होना चाहिए, और जो मैक्सिमम कैशबैक आप एक मंथ में ले सकते हो वो होगा 250 रुपीज का। ठीक है, वही अगर आपके पास SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे ये अमाउंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अगर आपके पास SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है तो जो आपका मिनिमम फ्यूलिंग अमाउंट होना चाहिए वो 500 रुपीज का होना चाहिए, 100 रुपीज का यहाँ पे डिफरेंस हुआ, और जो मैक्सिमम कैशबैक आप एक मंथ में ले सकते हो वो है सिर्फ 100 रुपीज का। HDFC में आप मैक्सिमम ले सकते हो 250 का, और SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड में है मैक्सिमम सिर्फ 100 रुपीज का। तो ये भी आपका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप फ्यूलिंग कराते हो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोनों क्रेडिट कार्ड के सबसे मेजर डिफरेंस के बारे में, एंड इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अगर आप HDFC का मनी बैक क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 150 रुपीज स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। वही अगर आप ऑनलाइन 150 रुपीज स्पेंड करते हो यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और यहाँ पे हमारे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू है वो है 20 पैसे, एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू हो गई वो है 20 पैसे। वही अगर आपके पास SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके डाइनिंग, मूवीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी स्पेंड, अगर आप इन जगहों पे अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्पेंडिंग वगैरह कर रहे हो तो फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड यहाँ पे आपको मिलेंगे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। मतलब आप डिफरेंस देख सकते हो जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है। एंड यही वो सारी जगह है जहां पे हम अपने क्रेडिट कार्ड को ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि डाइनिंग हो गया, मूवीज हो गया, ग्रोसरीज में हो गया। मतलब भैया घर के सामान तो आप लेते ही हो, तो अगर आप इन
जगहों पे अपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हो तो 100 स्पेंड करने पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू है वो भी ज्यादा है। वहां पे एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 20 पैसा थी, यहाँ पे हमारे एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 25 पैसा। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा क्रेडिट कार्ड ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और वही अगर अदर स्पेंड्स की बात करें, मतलब इन जगहों के अलावा अगर आप अपने सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड को कहीं यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा कम है। अगर आप 100 रुपीज खर्च करोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो फाइनली अब टाइम आता है मेरा ओपिनियन शेयर करने का कि दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ बेनिफिट्स के लिस्ट की तरफ देखोगे तो आपको नो डाउट HDFC का मनी बैक क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर लगेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको एनुअल स्पेंड्स बेनिफिट मिलते हैं, एनुअल फीस वेव ऑफ करने का जो अमाउंट है वो भी बिल्कुल हाफ है, फ्यूल सरचार्ज पे भी आप 150 का ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो पर मंथ एज कम्पेयर टू SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। लेकिन जैसे ही आप अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स की तरफ देखते हो ना तो ये गेम जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, बिकॉज SBI का जो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड। बिकॉज अगर आप सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड से अगर आप 100 रुपीज स्पेंड करते हो डाइनिंग मूवी डिपार्टमेंटल स्टोर ग्रोसरीज में तो फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड आपको यहाँ पे मिल रहे हैं 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब 2.5% का बेनिफिट यहाँ पे आपको हो रहा है। वही अगर आप HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड की तरफ देखोगे तो 150 स्पेंड पे, ऑनलाइन स्पेंड पे भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, अगर आप अपने HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हो डाइनिंग मूवी डिपार्टमेंटल स्टोर ग्रोसरीज में तो 300 रुपीज अगर आप स्पेंड करते हो तो वहां पे जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा वो होगा 1 रुपीज 60 पैसे का सिर्फ। और वही अगर आप SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड से 300 रुपीज खर्च करते हो इन जगहों पे डाइनिंग मूवी डिपार्टमेंटल स्टोर ग्रोसरीज में तो आपको जो बेनिफिट होगा वो होगा 7 रुपीज 50 पैसे का। तो डिफरेंस आप देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ इन्हीं जगहों पे क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो, लेकिन जो हमारा मैक्सिमम स्पेंडिंग होता है वो इन्हीं जगहों पे होता है, और अगर आपका भी स्पेंडिंग इन जगहों पे ज्यादा है तो आप आंख बंद करके SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड ही लो। दोनों क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि आपका स्पेंडिंग ज्यादा किस में है। अगर आप दोनों क्रेडिट कार्ड में से किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों क्रेडिट कार्ड का अप्लाई लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इन क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इन दोनों क्रेडिट कार्ड का डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों क्रेडिट कार्ड का डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।